हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 को कंप्लीट किए हुए थे। तो आज जो हम लोग चैप्टर देखेंगे चैप्टर 4 ज्योग्राफी का, और इस चैप्टर का नाम है क्या, कृषि। तो आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गाँव से गुजर रहे थे। ठीक है, तीन नामों की चर्चा आई है, क्या क्या, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। वो क्या देखते हैं गांव में कि किसान जो है क्या कर रहा था, खेत की जुताई कर रहा था। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। किसान उन लोगों से क्या कहा कि वो गेहूं को बोने जा रहा है, गेहूँ की बुआई करने जा रहा है। ठीक है, और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है, और मृदा अधिक उपजाऊ हो इसलिए उसमें क्या किया, अभी अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूँ मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। इससे क्या होगा, गेहूं मंडी में ये अच्छी कीमत पर बिकेगा, अच्छे फसल होंगे तो अच्छी कीमत पर बिकेगा, अच्छी कीमत मिलेगी। जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, उस गेहूं को कारखाना वगैरह में ले जाएगा, फिर वहाँ पर कारखाना में डबल रोटी फिर बिस्कुट वगैरह उससे बनेगा। आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। मतलब पौधा जब से लगता है उस समय से लेकर अगर हम बात कर रहे हैं अंतिम स्टेज तक, अंतिम अवस्था तक, टोटल तीन क्रियाओं से उन सारी चीज़ों को गुजरना पड़ता है। और वो तीन क्रियाएँ कौन कौन से हैं, तो वो हैं प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। अब आइए एक एक करके पहले इन तीनों को समझते हैं। प्राथमिक क्रिया में होता क्या है, जो भी प्रोडक्शन वगैरह होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जहाँ से हमें कच्चे माल प्राप्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्रिया। द्वितीयक क्रिया में होता है कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह किस में आता है, द्वितीयक क्रिया में। और तृतीयक क्रिया में आता है कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मार्केट तक ले जाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, तृतीयक क्रिया। तो आइए देखते हैं एक एक करके, बोल रहा है प्राथमिक क्रिया को देखते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक क्रियाओं में क्या क्या आते हैं, तो वस्तुओं का या फिर प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन और निष्कर्षण। ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं, प्राथमिक क्रियाएँ, जैसे कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, बोल रहा है अब देखते हैं द्वितीयक क्रियाएँ। द्वितीयक क्रियाएँ में बोल रहा है कि इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। ये क्या है, संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब चीज़ों का निर्माण किया जाता है, मतलब फैक्ट्री में निर्माण किया जाता है। हम थोड़ा सा ऊपर में थोड़ा सा उल्टा बोल दिए कि द्वितीय क्रिया में जो हम बोले वो तृतीय क्रिया में आता है, और तृतीय क्रिया में जो बोले वो द्वितीय क्रिया में आता है। थोड़ा सा अपोजिट करके समझ लीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है इसमें क्या क्या आता है, तो इस्पात का विनिर्माण करना, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये सारे काम आते हैं किसमें, द्वितीय क्रिया में। तृतीय क्रिया में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। तृतीय क्रिया क्या करती है, प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं में जो भी कार्य होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जितने भी प्रकार की सहायता वाला वर्क होता है, वो काम किसमें होता है, तृतीय क्रिया में, जैसे यातायात, व्यापार, ठीक है, मतलब ट्रैवल वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, बैंकिंग हो गया, बीमा और विज्ञापन हो गया, तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, ये इनके उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं कृषि। बोल रहा है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जैसे फसल, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें सम्मिलित है। इसमें क्या क्या है, जैसे फसलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, फूलों को उगाना, पशुधन मतलब पशु वगैरह को पालना, ये सारे किसमें हैं, कृषि के ही अंतर्गत आते हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो लगभग 50% लोग किसमें हैं, कृषि क्षेत्र में हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अगर हम बात करें भारत में, अगर कुल जनसंख्या का 2/3 भाग जो आएगा वो किस पर निर्भर है, कृषि पर। बोल रहा है अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। ठीक है, मतलब कृषि के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो अनुकूल स्थलाकृति मतलब अच्छी स्थलाकृति, मृदा अच्छी होनी चाहिए, जलवायु वहाँ की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे कृषि के लिए अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है, मतलब जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उस भूमि को क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि कहते हैं।
अब मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर फसल उन्हीं क्षेत्रों में किए जाते हैं जहां पर कृषि करने लायक सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। ये दिख रहा है हमारा क्या, कृषि वाले क्षेत्र, जहां जहां भी ये ग्रीन वाले क्षेत्र दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो जो ग्रीन वाले क्षेत्र दिख रहे हैं ये सारे क्षेत्र, ठीक है, ये सारे जगहों पर क्या होता है, कृषि होता है। ठीक है, देख लीजिएगा सारे महाद्वीपों में दिखाया गया, सातों महाद्वीप में ये डायग्राम, एक बार चर्चा कर लीजिएगा खुद से आप लोग। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ शॉर्ट टर्म्स में जो बनता है, जैसे एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड, इसमें क्या होता है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। जैसे एग्री प्लस कल्चर से क्या बनता है, एग्रीकल्चर। सेरी प्लस कल्चर से क्या होता है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में मिल जाता है रेशम उत्पादन, इसमें क्या होता है, तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, मतलब जब रेशम के कीटों को पालते हैं किस लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब उससे ताकि बेनिफिट ले सकें, या कृषक की आय में पूरक हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कृषक को काफ़ी ज़्यादा आय उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर क्या, किसको बोलते हैं, तो मत्स्य पालन को बोलते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है, मतलब छोटे छोटे तालाब या फिर पोखर वगैरह जो होते हैं, छोटे छोटे तालाब वगैरह, ठीक है, उसमें क्या होता है, मत्स्य पालन वगैरह किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वीटी प्लस कल्चर। वीटी कल्चर में क्या होता है, द्राक्षा कृषि, मतलब जिसमें अंगूरों वगैरह की खेती की जाती है। नेक्स्ट आता है होर्टी प्लस कल्चर। होर्टिकल्चर क्या होता है, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियाँ फूल और फलों को उगाना, किस में आता है, हॉर्टिकल्चर में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या, कृषि तंत्र, आइए देखते हैं। कृषि तंत्र के अंदर देखेंगे कि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक हैं। कृषि तंत्र में मेनली क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो बीज की, उर्वरक की, मतलब खाद्य वगैरह, मशीनों की, लेबर की, बोल रहे जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं, मतलब कुछ वर्क हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं, इनके अंदर ही आते हैं, मतलब जैसे मुर्गा वगैरह का जब उत्पादन किया जाता है, मतलब पाला जाता है, ठीक है, तो वो किस में आते हैं, कुक्कुट में, मतलब कुक्कुट में सिर्फ और सिर्फ मुर्गे ही नहीं आते हैं, मतलब मेनली मुर्गी के बच्चे को पाला जाता है। ठीक है, तो वो हो गया, फिर बत्तख वगैरह के बच्चे को, तो ये सारे किस में आते हैं, कुक्कुट उत्पादन में। फिर डेयरी मीन्स दूध से रिलेटेड, ऊन हो गया, रेशम वगैरह से जो बनता है, फसल वगैरह हो गया, ये सारे क्या है, इसी के तंत्र हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या, कृषि के प्रकार देखेंगे, किस किन प्रकार, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं और किन प्रकारों में क्या होता है, ये सारे चीज़ों का डिस्कशन हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।